नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। घोड़ा डोंगरी में कांग्रेस के पीसीसी जीतू पटवारी के विवादास्पद बयान पर भाजपा कार्यकर्ता हुए आमने सामने। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी को दिखाए काले झंडे। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल की तहसील घोड़ा डोंगरी से है। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाए। वहीं इंदौर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जीतू के घर पर चूड़ियां लेकर पहुंची। अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। जीतू पटवारी में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामू टीकम के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। यहां बाजार चौक में सभा के बाद पटवारी जब मुलताई के लिए रवाना हो रहे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को अलग किया। कांग्रेस आईटी सेल के पूर्व जिला अध्यक्ष भूषण कांति ने कहा, भाजपाइयों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम सहित वरिष्ठ नेताओं पर प्राण घातक हमले की कोशिश की। हमने नामजद एफआईआर की मांग करते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। पूरा मामला इस प्रकार है कि जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में हंसते हुए कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है। जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा। जीतू पटवारी का 16 सेकंड का ये वीडियो ग्वालियर का बताया जा रहा है। वो गुरुवार रात कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इसके बाद मीडिया से बात की थी। जीतू पटवारी इससे पहले मुरैना में प्रियंका गांधी की सभा में शामिल हुए थे। प्रियंका कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल नीतू सिकरवार के समर्थन में सभा करने आई थी। पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद जीतू पटवारी ने ट्वीट कर इमरती को अपनी बड़ी बहन जैसा कहा। वहीं इमरती देवी ने कहा जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। जीतू पटवारी द्वारा पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य बबल शुक्ला द्वारा कहा गया है कि बैतूल जिले में जहां जहां जीतू पटवारी की आमसभा होगी वहां वहां भाजपा कार्यकर्ता उनका पुरजोर विरोध करेंगे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट।